The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lam and make your AutoCAD 2D 3Ds max. Dreams come true. Download the app now. आपने ये बनाया है एक इंटीरियर जी, आपने ये एलिवेशन दिया है, तो सबसे पहले एलिवेशन में स्टार्ट करा जाता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसके मटेरियल फिनिशेस से, जैसे कि हमें देना है इसमें वॉल का मटेरियल, जो जो चीजें देने वाली होती हैं, सबसे पहले वहां से स्टार्ट होता है। साइज क्या देना चाहते हो, कलर इफेक्ट, लाइट, मेंशन करना होता है स्लैब के बारे में और कौन सा मटेरियल है एंड फ्लोरिंग। अगर आपने यहाँ पर टाइल्स फिनिश को मेंशन कराए तो आप टाइल फिनिश को भी यहाँ पर एक दूसरे पैटर्न में फिल करके शो कराएंगे। ये भी हमारा एक पार्ट है। इसे लिखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज, एंगल, एंटर। ठीक है जी। अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा, हम अपने इसको फॉलो कर रहे हैं, अपने इस वाले बेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, कुछ वुडन का डिजाइन दिया है, यहाँ पर वुडन पैनलिंग करी है इन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम कुछ अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगाते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये करता हूँ क्योंकि डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो दे रहे हैं वही डिजाइन हम कॉपी पेस्ट करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक एरिया देखेंगे कि हम कितने एरिया पे डिजाइन दे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, आप कोई भी एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया लो, ये, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट, ये डिजाइन हमारा आ गया इसमें, वहां तक रहेगा। सीलिंग से ऊपर तक इसको हाइट कर देंगे यहाँ से। सर, ये जो सीलिंग है ये स्लैब से एक फीट नीचे है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि जो सीलिंग के जो डाउन लेवल होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल हाइट होती है, उसके बेसिस पे लिए जाते हैं। रेजिडेंशियल वगैरह में अगर आप 10 फीट पे अगर आप स्लैब रख रहे हो तो मोस्टली वहां पर डाउन आपकी रहेगी, मान के चलो एक फीट पे रहेगी ही रहेगी डाउन। एक फीट से फिर कितने नीचे लिया है? एक फीट से कितना नीचे लिया है? ये जो सीलिंग है ना, ये कह रहा मैं, इसकी हाइट का मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो? नहीं सर, मैं यहाँ पर नहीं कह रहा, ये जो राइट में साइजेस होते हैं, जो डिप मार्केट में पीसेस इसके ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं, इनके बारे में निकालना और इनकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना, जैसे जो चीजें नहीं पता है तो उनको थोड़ा सा निकाल के स्टडी करना है ना, इससे आइडिया होगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, लाइक टाइप ऑफ मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, क्या क्या उनकी थिकनेस होती है, उनकी डिटेल्स निकालना, है 10x4 की शीट आती है, 12.5 mm थिकनेस होती है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की जो इसमें यूज करे आते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, इनको थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगी। सर ये भेज देना सर मेरे को, ये भेज देंगे, लेकिन पहले कोशिश खुद से निकालने की करना सारी। तुम्हें क्या लग रहा था कि ये हमने क्या दे दिया, तुम्हें क्या लग रहा था इसको, ये भी स्लैब है, तुम ये सोच रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं स्लैब नहीं सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि एक फीट हमने डाउन लिया ना। तो एक फीट अगर डाउन लिया था तुम ये कोई सर 6 inch भी ले लेता है कोई कोई डाउन। 6 inch बहुत हो गया, 6 inch बहुत होता है भाई, एमएम में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 12.5 mm कितना होता है? ये तो आधा इंच होता है सर, 6 inch। जिप्सम बोर्ड है भाई, वो कोई लकड़ी का कट, वो थोड़ी ना ब्लॉक थोड़ी ना जो उसमें लगेगा, इसकी थिकनेस 12.5 होगी, अलग अलग साइजेस में आती है, इनको एक बार सर्च करना, ये तो हम सेंड करेंगे ही, अलग अलग चीज में आती है, जीरो सेक्शंस की 0.5 होती है, लेकिन ये जो सेक्शंस होते हैं इन सेक्शंस की, ये तो नॉर्मल सेक्शन है साइड के, इससे कोई मतलब नहीं है, एंगल सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, इससे मतलब नहीं है, तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मटेरियल्स की डिटेल्स
यहाँ से मिलेगी उनको, यहाँ से पढ़ना, वो यहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेगी तुम्हें इसमें। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लो, मैंने तुम्हें कुछ कैटलॉग सेंड करी थी लूवर्स वगैरह की, उन लूवर्स कैटलॉग वहां पर मैंने तुम्हें सेंड करी थी, उनके बेसिस पे आप यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करोगे। कुछ भी, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इस तरह उसी को सेलेक्ट करके हम करा देंगे मिरर। कहने का मतलब क्या है कि डिजाइन जरूरी नहीं कि हम कॉपी पेस्ट करें, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी कलर इफेक्ट रख लो यहां से इस तरह। बाकी का हम एक काम ये करेंगे, यहां पर एक कमांड होता है, अब जैसे कि जो लाइन से हमारी अंदर आ रही है इसके अंदर, हमें फिर उनको भी वहां से ट्रिम करना पड़ेगा, उनको भी हटाना पड़ेगा, उनको हम बाद में हटा लेंगे। हमने बीओ एंटर करा, पिक पॉइंट करा, क्लिक करा, एंटर करा, हमने एक बाउंड्री बना ली। बाउंड्री बनाने के बाद अगर जैसे कि मान लो बेड बैक कुशनिंग अगर हो गया, मान लो अगर आपको देना है तो इसमें इन सारे डिजाइन के लिए आप लाइन से भी डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, तो इनके लिए भी फिर डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है। आप फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसके लिए रेफरेंस एक लेवल लेना पड़ेगा कि हमें कितने पे काम करना है, कितना साइज हमें लेके चलना है, फिर उनको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। जैसे कि मैं एग्जांपल तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, अगर कोई कभी ऐसी जरूरत पड़े तो कैसे काम करना है। इसको भी हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, इसका मिड सेक्शन फॉलो कर लिया। अब इसका मिड सेक्शन फॉलो करा, मान लो ये मिड हमारा यहाँ पर आ गया, एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद एक ट्राइंगल और बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कोई भी एक डिजाइन मान लो, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इसको हमने ये लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक थिकनेस और आ गई, ठीक है, हमने क्या करा, एक थिकनेस और ली, एक्सटेंड करा लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल हमारा और आ गया। फिर हमने इसका लिया, देन एक्सटेंड कराया और वहां से ट्रिम कर दिया। हाँ, जो जो जैसा डिजाइन होगा उसी के बेसिस पे, और इसको हमने ट्रिम कर लिया, और एक्स्ट्रा पार्ट हमने ये ट्रिम करा और ये ट्रिम करके डिलीट कर दिया। अब ये दोनों चीजें हमारी आ गई। अब इसको हम बनाने के बाद, बिल्कुल सही है, मिरर कमांड लेके और उसको और इसको मिरर कर देंगे, फिर सेलेक्ट करने के बाद MI एंटर, फर्स्ट सेकंड एंटर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी बहुत सारे डाउट्स होते हैं दिमाग में, समझ में नहीं आता है। अब बैड बैक कुशनिंग हमारी कहलाती है कुछ, ये आपने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड बैड बैक कुशनिंग, नाम याद है, पता है, नहीं पता था इनका, ये तो मैम ने बनवाया था सर, नहीं नाम बताया था, बनवाया तो था मैम ने, नहीं नाम का नहीं पता था सर। तो फिर दिस इज कॉल्ड बैड बैक कुशनिंग, तो अब ये हमारी हो गई पूरी बैड बैक कुशनिंग हो गई। और अगर हम एग्जांपल लो, यही कुशनिंग हमारी पूरी करी जाती है प्लाईबोर्ड के ऊपर वॉल पे, पूरी हमारी करी जाती है प्लाईबोर्ड के बेसिस पे पूरा बनाया जाता है, वो होता है हमारा वॉल कुशनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल कुशनिंग, या वॉल पर बनाया जाता है ये वाला डिजाइन, ये पूरा वॉल पे इसका पूरा बेस बनता है प्लाईबोर्ड पे, प्लाईबोर्ड के सेक्शन के ऊपर पूरा इसको बना के और उसको फिर पिन अप कराया जाता है, ये होता है तुम्हारा वॉल कुशनिंग, दिस इज कॉल्ड वॉल कुशनिंग। सारी देख रहे हो ये पूरी, देखो हम इत्तेफाक से हम यही डिजाइन अपने मन से सोचा था, और यही डिजाइन देखो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस मिल गया हमें, साइड में हमने पैनलिंग करी है और साइड में वो दिया उसके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देंगे, ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा पार्ट, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें, एंड ट्रिम एंड डिलीट एंड डिलीट this one and delete and last and delete, ये आ गया हमारा last part और ये निकल आया color effect
उसको कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेंगे और इसको हम करा देंगे मैच प्रॉपर्टी से मैच। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है। और बचा पार्ट हमारा ये इसका, इसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजों को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे किस इस तरह। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं बाद में ट्रिम करके फाइनल कर लूंगा। ये आ गया हमारा डिजाइन सिस्टम। अब हमें बताना है इसके इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो डिटेलिंग का प्रोसेस होता है, आपने क्या क्या चीजें बनाई हैं, जैसे कि आपने क्या क्या दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट हैं और क्या क्या आपने डिटेल दी हैं। एग्जांपल लो, हमारे पास स्लैब है। अगर हमारे पास स्लैब है तो आप स्लैब के बारे में एक्सप्लेन करोगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉल सीलिंग है। अब ये किससे फिनिश है? जिप्सम से होगी, जिप्सम पीओपी से होगी। पीओपी अभी हमने थिकनेस भी यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी। अब वही जो आप यूज करोगे, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसी के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर लेना 12.5 एमएम। तो यहाँ पर हम कितना है, ठीक 12.5 एमएम। वॉल का साइज क्या है आपका, वो आप मेंशन करोगे। हेडबोर्ड कौन सा है आपका, वो आप बताओगे। बैट साइड टेबल के बारे में आप कुछ इस तरह एक्सप्लेन करोगे, एरो वहां पर प्लेस करके, और इनको आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करा लोगे। स्कर्टिंग कहां पर आपने दी है, वो स्कर्टिंग दोगे। जहां पर स्कर्टिंग होगी वहीं पे आप पॉइंट दोगे। फ्लोरिंग हमारी कहां पर है, वो आप फ्लोरिंग के ऊपर मेंशन करोगे। टाइल्स हमने कहां पर दी है, वो हम टाइल्स के ऊपर मेंशन करेंगे। हाँ, इनके साइजेस वगैरह जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना आपको रखना है, फॉन्ट वगैरह आपको जो भी फॉलो करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा डेकोरेट करना है तो चीजें अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड मोर, इस तरह हमें कुछ वर्क करना होगा अकॉर्डिंग, इसको जहां पर जाओ वहां पर एडजस्ट करो। अब हमने वॉल कुशनिंग करी है तो हम इसी चीज को कॉपी करेंगे और मेंशन कर देंगे, और मेंशन कर देंगे वॉल कुशनिंग, वॉल कुशनिंग लेदर, क्योंकि वॉल कुशनिंग के बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, वो आप कोई भी अपना जो हम लोग यूज करेंगे वो हम बेड पटेल को मेंशन कर देंगे। लेदर में आता है सर जी? हाँ, लेदर में मोस्टली होता है। बस इतनी आइटम्स हमारे पास हैं जिनकी डिटेल्स हमें मेंशन करनी है, जो हमें प्रॉपर तरीके से देना है, जो इम्पोर्टेंट है मेंशन करने के लिए, वो ये है। अब आती है बात, ठीक है, इतना सारा करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, इनको आप चाहो तो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में रख सकते हो। लाइक कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लो। ये के एक लाइन से मैं जो अच्छे लगे, हाँ, जैसे जहाँ जहाँ आपको जो जो रखना है, जैसे रखना है आप उनको उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। ऑर्थो ऑन करके करना चाहो ऑर्थो ऑन करके कर लो। ऑर्थो ऑन करके होगा सर, ये वैसे तो दिक्कत आ जाती। और अब इसमें कलर इफेक्ट अगर हम चाहें तो दे सकते हैं, जीडी एंटर करके थोड़ा सा डार्क शेड बना लेंगे लाइट का, और इसका पिक पॉइंट लेंगे और ओपेसिटी बहुत कम रखेंगे। शेड्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग ले लो। ट्रांसपेरेंसी अगर डार्क रखोगे तो बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा, तो शेड्स हमें रखना है, तो शेड्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके ट्रांसपेरेंसी हमें सिर्फ कलर मोड दिखाना है। अगेन जीडी एंटर,
छोटे हुए ब्लॉक है उनमें फिल करके एंटर इस तरह। अब हमारा ये हो गया एलिवेशन E1। E2 में हमारे पास क्या था, E2 में हमारे पास सिर्फ एक नॉर्मल डोर था। अब जो इसमें डिटेलिंग की बात आती है जी, तो इसमें डिटेलिंग की बात आती है वो वही रहेगी जो उसमें थी, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, जो चीजें इसमें नहीं होने की उन्हें डिलीट कर देंगे बस। अब एग्जांपल लो, इसमें हमें वही प्रोसेस यहाँ पे भी कंप्लीट करना है, क्या क्या, जैसे कि हमें वॉल का, वॉल की साइज ठीक है, एंड स्लैब हमें देना है इसमें सेम वही चीज, कॉन्क्रीट थिकनेस एंटर एंड दिस वन, और मैच करा देंगे अपने पास वाले मटेरियल से, इजी रहेगा। एमए करके दिस वन एंड दिस वन, सेम चीज जो हमने फिनिश दी थी यहाँ पर वो हम यहाँ पर भी देंगे, अगेन एच एंटर, कोई भी अपना एक डिजाइन लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो पहला काम क्या करोगे कि पहले चीजों को थोड़ा सा जो रह गई है उनको पहले कंप्लीट कर लो, कौन कौन सी क्या क्या मटेरियल है, ताकि उसके बाद टैगिंग को फटाफट फिल करते चले जाओ ताकि वर्क इजी हो जाए। इसको मैंने यहां पर पिक पॉइंट लिया, देन मैच अगेन एच एंटर, अगेन मैच प्रॉपर्टी, और सेम वही चीज जो हमारी वहां पर शो हो रही है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका हमारी यहां पर भी है, और लास्ट हमारा ये भी वही चीज आती है, इसको भी हम वही प्रोसेस करेंगे। तो पहला बेसिक्स कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद फिर उसमें डिटेलिंग करी जाती है क्या क्या हमने वहां पर मेंशन करा है। एंड अगेन एच एंटर, एंड कॉन्क्रीट, मैश प्रॉपर्टी, और लास्ट में आता है हमारे पास थिकनेस का पार्ट, और थिकनेस को मेंशन कर लो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग एंटर। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ये हमारे पास कौन सी वॉल थी, ये हमारे डोर वाली वॉल थी ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी करना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो बहुत सारे कोई भी चीज, कोई भी डिजाइन, कोई भी डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, कोई भी एक रेफरेंस उठाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। कोई भी एक रेफरेंस यहाँ से ले, अब आपको इससे क्या होता है, आइडिया मिलता है। क्या आइडिया मिला, ठीक है बहुत सिंपल डिजाइन है हमारा यहाँ पर, तो आप वहां पर कुछ भी एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, वॉल वगैरह में शेल्फ वगैरह अगर आपको देनी है आप वो दे सकते हो, वहां पर गिलास में देना है आप गिलास में दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना इम्पोर्टेंट है डिजाइनिंग के साथ साथ। क्लोज, कुछ इस तरह, कलर इफेक्ट, वुडन देना है आप वुडन दे सकते हो, ग्लास में देना है आप ग्लास दे सकते हो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी एक ले सकते हो पैटर्न। तो अब ये क्या है, इसको हम कोई भी थोड़ा सा डेकोरेटिव वगैरह मटेरियल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, या बुक रख दो इसमें कुछ भी, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। कोई भी अपना एक पर्टिकुलर डिजाइन लेके आप वहां पर यूज कर सकते हो। फोटो फ्रेम आपको वो मेंशन करना, आप वो मेंशन कर सकते हो, कहीं पे भी होगा। एंड कॉपी, स्केल, कुछ इस तरह, बाकी कोई भी अपने अकॉर्डिंग रखना। तो हमारा वो थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए वॉल, कुछ भी कर सकते हो। हम ये भी कर सकते हैं कि ये वॉल है हमारे पास और इसमें कुछ डिजाइन वगैरह हैं, वो भी हम नेट से निकाल के दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट है। स्लैब है हमारे पास, ठीक है, वॉल सीलिंग है हमारे पास, वॉल की थिकनेस है, वॉल कुशनिंग नहीं है, बेड साइड टेबल नहीं है, हेडबोर्ड नहीं है, स्कटिंग है हमारे पास, वो मेंशन करना है, फ्लोरिंग है मेरे पास, टाइल्स है, ठीक है। और इसको मैं मूव कराता हूँ, इसको मैं मिरर कराता हूँ। कुछ पूछना पूछना है क्या बताओ सर? ये जो आपने यहाँ पर दे रखा है सीलिंग की जो थिकनेस है 12.5 mm, ये 12.5 mm लग तो रही नहीं सर। अरे यार, मैंने इसकी थिकनेस 1 inch ली है करीब, वहां पे थिकनेस थोड़ी ना मैं लेके चल रहा था। तुम लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं देता हूँ तुम लोग फैक्ट मान लेते हो कि जो हमने दिया है वो बिल्कुल रियलिटी है। ये मैंने थिकनेस ली थी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो थिकनेस दिखाई है वो कितनी दिखाई है आपको? 12.5 mm। सिंपल सी बात है, कितनी लेनी है अब? 12.5 mm। सिंपल है वो, एक सिंगल लाइन अगर मैं यहाँ पर रखता तो कैसा लगता? बेकार लगता सर, अजीब लगता ना जी। बस उसी लिए हमने उसकी थिकनेस को ले लिया, ये हो। ये हमने क्या बनाया है, वुडन सेल। अब किस चीज का बनाए, किस, मान लो हमने फिनिश करा है किससे, डीको पेंट से। डीको पेंट क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा थ्योरी सेंड कर दूंगा, उसको पढ़ना जी। ठीक है, ठीक है इस तरह। अब इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है इसमें। हाँ, याद रखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी वॉल पे जो पेंट हमने दिया है उस पेंट को मेंशन करने का तरीका बताया था, पीटी कोड क्या है वो आप कैटलॉग से डाल। क्लियर है? ये मैं चीज नहीं बताऊंगा, एलिवेशन मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी जी, जी, जी। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे, सेम टैग को कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पे लाना। बस ये कि सर अगर हम इसमें पेंट देंगे तो कलर कोड नहीं देने के, कलर कोड देके वहां पर मेंशन कर देना जैसे टेबल बनाई थी हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही जी सर। वॉल पेंट कोड डाल देना, कोड निकाल के, स्कर्टिंग है, फ्लोरिंग है, ये है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत है HTR क्या है सर ये? अरे मेरे, इसीलिए बोला। ठीक है सर, ठीक है। तो अब ये कुछ ब्लैंक सा पार्ट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहो तो थोड़ा सा डेकोरेट दिखा सकते हो वॉल, ठीक है। ग्लास शेल्फ वगैरह दिखा के यहाँ पर मेंशन कर देना और यहाँ पर पैकिंग कर देना और डाल देना,
और फिक्स कर। क्लियर क्लियर है। अब आता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, इसमें भी हम इसको कॉपी करेंगे। अब इसमें हम कॉपी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट वाला सेक्शन था, हमने इसको ले लिया, इसको मैंने कंट्रोल क्यू करा और अपने पास आ गए कंट्रोल वी, इस वाले डिटेल्स पे आ गए। क्या क्या चीजें हमारे पास है, ठीक है, स्लैब हमारे पास है, वही चीजें जो हम लोग वहां पर देते आ रहे हैं, जो जो हमने अपने मटेरियल्स जो जो डिटेल्स दी है हमने अपने इंटीरियर में उनके बारे में। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लाईवुड है, ठीक है, प्लाईवुड हमारी आ गई इसमें, ये सेक्शन हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स है ये कुछ इस तरह मेंशन करा जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, इसको मेंशन करने का तरीका यही होता है। ये पॉइंट फ्लोर एंड टाइल, टाइल्स दिस वन, फ्लोर नीचे आ गया, ये वाला नीचे। और भी कुछ अगर देना है तो दे सकते हो, जैसे कि मान लो डोर वगैरह है तुम्हारी वो दे सकते हो, और किससे फिनिश है, डिको पेंट से, लेमिनेट से, वो दे सकते हो। और अगर आपने ये जो दिया है लाइक लूवर्स वगैरह है हमारे कुछ, तो उनको भी मेंशन कर सकते हो। मतलब ये जब तक तुम चीजें बनाओगे नहीं तब तक चीजें समझ में आनी नहीं है। इसके लिए कोशिश ये करना है कि अगर आप थोड़ा सा रेफरेंस लेके अगर आप काम करोगे तो आपको थोड़ा सा और जल्दी समझ में आएगा। स्नैप ऑफ करके ऑटो को ऑन करके मूव करा, स्नैप ऑन कर। वॉल पेंट भी हमने दिया है, अभी वॉल पेंट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमने जो वॉल पेंट यहाँ पर दिया है तो वॉल पेंट हम कैटलॉग से निकालेंगे। उस पहले हम सिर्फ वहाँ का जो कोड होगा वो कोड डाल देंगे, कुछ भी ले लो, जो लाइक RGB567 जो कोड होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरह हमारा ये पार्ट आता है।